वेलकम टू ब्रेंटफोर्ड सीबीएसई क्लासेस। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दे रखा ये क्वेश्चन आपको? ये एक सेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सेक्टर और नॉर्मली सेक्टर में क्या अंतर होता है? जैसे सेक्टर कौन सा? क्वाड्रेंट वाला। और नॉर्मल सेक्टर, सेक्टर में आपको एंगल दिया जाएगा, लेकिन क्वाड्रेंट में एंगल की कोई कंपलसरी नहीं कि एंगल आपको क्या देना है। तो क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री ही होता है। जैसे ये क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो क्या है आपका? 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए जो हम एंगल यूज करते हैं वो हम 90 डिग्री का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या दे रखा? सर्कमफेरेंस दे रखा, ये 22 दिया है। जैसे आपने क्या किया, यहां से चलना स्टार्ट किया। देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और ये यहां तक घूम के आ गए, तो कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर आ गया, जो कि हमें ये दिया है। तो सर्कमफेरेंस का यूज करेंगे। सर्कमफेरेंस ये हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दे रखा है 22 सेंटीमीटर। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, तो 2πr = 22। अब इन प्लेस ऑफ 22/7 आ गया, रेडियस को r राइट कर लेंगे। ये अब बात ये आती है कि हमने r पहले क्यों फाइंड किया? r इसलिए फाइंड किया ताकि उस r का यूज आप एरिया ऑफ सेक्टर के लिए या एरिया क्वाड्रेंट के लिए कर पाए। तो यहां से देखिएगा 22 बन जाए 22, ये आ गया। अब यहां पे r इक्वल्स टू ये क्या मिल गया, 2 × 2/7 × r। ये 2/7 जो है नेक्स्ट टाइप जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7/2 इस तरीके से। और ये बन भी उसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ओवरऑल क्या बन जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस का यूज हम 7/2 ही राइट करेंगे, जो आगे चल के हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे क्या राइट करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट θ/360 × πr² इन प्लेस ऑफ थीटा विल राइट 90 डिग्री / 360 22/7 रेडियस हो जाएगा 7/2 × 7/2 क्योंकि 2 टाइम राइट करेंगे स्क्वायर है। तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 से 2 आ जाएगा 11 आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 9 × 1 = 9, 4 = 36 क्या आ गया ओवरऑल, 11 और ये 7, तो क्या मिलेगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से रीचेक करेंगे, 90 आया, 360 ये हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 मिलेगी, रेडियस 7/2 × 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 का कैंसिल आउट हो गया किससे, 2 बन जा 2। अब उसके बाद में आपका यहाँ 4 है और ये 7 आया, यहाँ पे ये 2 है, तो 4 × 2 = 8, 11 × 7 = 77। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो हम इसको डेसिमल में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा अगर डेसिमल में करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 × 9 = 72 मिल जाएगा, 5 आ गया डेसिमल लगाया, और 8 × 6 = 48 हो गया, 2 आया डेसिमल लगा हुआ है तो 0 इंक्रीज कर लेंगे तो 20 हो गया, 8 × 2 = क्या मिल जाएगा, 16, ये आ गया 4, यानी 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है।